Hello everyone, I'm on this side, your yoga and fitness trainer. Hope you all are doing great. आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे सेल्फ डिफेंस मूव जो आप यूज कर सकते हो लेडीज के साथ में. आपको सेल्फ डिफेंस की जरूरत पड़ रही है, लाइक फीमेल टू फीमेल फाइट हो रही है या फिर मेल टू फीमेल फाइट हो रही है, किसी भी फाइट के टाइम पे आप इन सेल्फ डिफेंस मूव को इजीली यूज कर सकते हो. और सबसे बड़ी चीज जो मैं बताऊंगी, हम यहाँ पे सेल्फ डिफेंस अगेंस्ट वुमेन क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि जब भी कोई भी अटैक, मेल और फीमेल अटैकर का इंटेंशन अलग होता है. मोस्टली जो मेल अटैकर है उनका मोस्ट ऑफ द टाइम जो इंटेंशन होता है कि वो रेप इंटेंशन होता है, तो उनका जो टारगेट होता है, उनका अटैक होता है उसी के अकॉर्डिंग होता है. लाइक उनका मेन टारगेट होता है कि या तो वो विक्टिम को किसी सुनसान जगह पे लेके जाना चाहते हैं या फिर वो उसको ग्राउंड पे लेके आने जाते हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग उनके अटैक होते हैं. और जहाँ तक बात है फीमेल अटैकर की, अगर वो अटैक कर रही है तो हो सकता है किसी बदले के लिए या फिर सीरियस इंजरी के लिए वो आपके साथ में अटैक कर रही है. तो उस टाइम पे मेन डिफरेंस, जब आप फाइट कर रहे हो मेल की टर्म में, अगर आप किसी मेल के वीक पार्ट पे हिट कर देते हो तो वो इतना सेंसिटिव होता है कि वो इंसान बेहोश भी हो सकता है. अगर आपने अच्छे से अटैक दे दिया तो सामने वो बेहोश नहीं भी हो रहा है तो इतनी हार्ट वो हो जाएगा कि वो फिर से अटैक नहीं कर पाएगा. और जहाँ तक बात है फीमेल की, फीमेल के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कवर्ड होते हैं, प्रोटेक्टिव होते हैं, तो अगर आप उसके वीक पार्ट पे हिट करते हो तो वो इतना ज़्यादा एक्सट्रीम हिट नहीं होगा कि वो उसके लिए अनबियरेबल हो. बॉडी टोटली ऐसे ही, अगर आप कहीं पे भी हिट करते हो, मान लो आप चेस्ट पे हिट कर रहे हो, स्टमक पे हिट कर रहे हो, लेग्स पे हिट कर रहे हो, अगर आप बहुत अच्छे से पावरफुल अटैक दे रहे हो तो नो डाउट कहीं पे भी हिट करोगे वो इफेक्टिव होगा. लेकिन अगर आप सेल्फ डिफेंस की मूव्स यूज़ कर रहे हो तो आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप ऐसे पोर्शन पे हिट करो जहाँ पे बहुत कम पावर का यूज़ करके आप खुद को उस सिचुएशन से बाहर निकाल सको. तो इस वीडियो में हम कवर करेंगे ऐसे कुछ टेक्निक जो आप इजीली यूज़ कर सकते हो मिनिमम पावर के साथ में और मैक्सिमम अलर्टनेस के साथ में. तो चलो अभी चलते हैं हम आज की वीडियो की तरफ. तो अभी आपने जो डेमोंस्ट्रेशन देखा, वो आप मेल हो या फीमेल हो, अगर ऐसे सिचुएशन में हो कि आपको कोई आपका हाथ खींच के अपनी तरफ लेके जाने की कोशिश कर रहा है, फाइट के टाइम जब आप एक्ट कर रहे हो डिफेंड के लिए तो कोई आपका हाथ ही पकड़ के आपको अटैक करने की कोशिश कर रहा है, तो विद इन 5 सेकेंड आप कौन सा मूव यूज़ कर सकते हो वो आप यहाँ पे देखोगे. तो सबसे पहले मान लो इसमें हाथ पकड़ रखा है, एकदम से होल्ड. अब इसके बाद में सबसे पहले मुझे अपना बॉडी टर्न करनी है, लाइक दिस टर्न योर बॉडी, हाथ यहाँ से क्रॉस करके नीचे ले जाओ और अपने हाथ से अपने रिस्ट को पकड़ना है. नाउ आप फर्स्ट थिंग ये है कि आप उसे छुड़वा लोगे और वहाँ से उसके बाद आप नी अटैक दे सकते हो. लेकिन सेकंड सिचुएशन में मान लो वो हाथ नहीं छोड़ रहा है, होल्ड, और मैंने एक्ट किया यहाँ से हिट इतनी क्लोज सी, अब इसको आप इसके बाद ही छोड़ नहीं रहा है, मान लो मैं हाथ नहीं छोड़ रहा है, तो सबसे पहले मेरे पास क्या ऑप्शन है, या तो मैं अपने हिसाब से उसकी एल्बो को हिट करूँगी, गुड भी सकती है अगर बहुत ज़्यादा पावर से प्रेशर दोगे. सेकेंडली आप यहाँ से बैक लेग उठा दें, उसके वीक पॉइंट से हिट कर सकते हो. थर्ड थिंग, जो नी का जॉइंट होता है वो भी बहुत ही ज़्यादा वीक होता है, तो आप वहाँ पे भी हिट दे सकते हो, लाइक दिस हिट, और फिर वहाँ से निकलो. इसलिए हम नेक्स्ट सिचुएशन की बात कर रहे हैं, मान लो किसी ने आपके गले को पीछे से पकड़ रखा है, मान लो अब किसी ने मुझे गर्दन से पकड़ रखा है, तो सबसे पहले मैं उसके हाथों को ग्रिप करूँगी. तो यहाँ से टर्न एक आपको हल्के से देखना है कि आप कौन सी चीज़ यहाँ पर अटैक दे सकते हो. अगर आपके पास स्पेस है कि आपका सीधा वीक पॉइंट पे हिट दे सकते हो, आपको हिट करने की कोशिश करनी है अगर मेल है. अगर फीमेल है तो यहाँ से सोलर प्लेक्सस पे हिट करो या फिर डायरेक्टली जो पे हिट करो, चेस्ट पे हिट दे सकते हो, जहाँ पे आप हिट दे सकते हो जस्ट ट्राई टू हिट. एंड थर्ड थिंग, यहाँ से होल्ड हिज हैंड, जो फ्रंट नी है उसको उठाओगे, उसकी नी जॉइंट पे हिट करोगे, उसके बाद जैसे आपको टाइम मिलता है वहाँ से पहुँच जाओ. तो सबसे पहले आप, अगर डिस्टेंस आपको पता है कितना क्लोज है, अगर नेक चोक कर रहा है आपको, सिर्फ 2 सेकंड है एक्ट करने के लिए, तो मान लो आपको डिसबैलेंस करने की कोशिश कर रहा है, तो आपके पास बहुत इजी ऑप्शन है कि आप जितनी स्पीड से उसके इस पॉइंट पे हिट कर सकते हो, अटैक कर सकते हो, अटैक करो. मान लो फाइट होती है तो ऐसे आप मूवमेंट स्टेबिलिटी में नहीं होते, तो आपको फिंगर टिप्स का यूज़ किया और यहाँ पे नाउ
नेट पे यूज किया हिट, नाउ हिट एंड रन अवे, वहाँ से भाग जाओ। ये तीन बेसिक टेक्निक्स हमने इस वीडियो में कवर की है। इसके अलावा आप और क्या कर सकते हो और कौन से पॉइंट्स हैं जिनका आप यूज़ कर सकते हो, ये एडिशनल टिप्स हैं। तो अब इस पोजीशन में आपको बाल छुड़वाने का सबसे ईजी ऑप्शन क्या है, पकड़ो, मेरे बाल पकड़ रखे हैं तो मैं अपने बालों को फोल्ड करूँगी। अगर आप ऐसे क्रॉस करोगे तो वो आपके ग्रिप में आ गया। अब यहाँ से आता हो, नियर टैग दो, थप्पड़ दो, कुछ भी दो, वो आपके ऊपर है। फर्स्ट थिंग इज दिस। सेकेंडली, इसने मेरे को शोल्डर से ग्रिप कर रखा है, तो सेम टेक्निक आप यहाँ पे भी यूज़ कर सकते हो। अपने हाथों का से ग्रिप बनाओ, बहुत इजी है इस चीज़ को यूज़ करना। उसके बाद या फिर यूजली फाइट के टाइम पे थप्पड़ यूज होती है, मामले में तो थप्पड़ मारने को कोशिश करा, बट इसमें मेन चीज़ होगी आपकी अलर्टनेस। मामले में तो थप्पड़ मारने को कोशिश करी, यहाँ से आप देख रहे हो कि आपने डिस्टेंस मेंटेन किया, तो यहाँ से आप ये दे सकते हो। साथ ही साथ ही हिट हिट, तो आपके ऊपर है कि आप कितने एक्टिवली कौन सी चीज़ का यूज़ कर सकते हो। फिर से दिखा रहे हैं हम लोग आपको, यहाँ से 1 2 एंड रन अवे। अगर यहाँ पे अच्छे से लग रहा है, ये भी सेंसिटिव एरिया होता है, अगर अच्छे से हिट कर पाओगे। लेकिन अगर आप फीमेल फाइटर से फाइट कर रहे हो तो उस टाइम पे आप चाहो तो अपने हाथों का यूज़ कैसे कर सकते हो, वो आपके ऊपर है। दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। होप ये वीडियो आपको पसंद आई हो। इसमें से जितना आप प्रैक्टिस कर सकते हो प्रैक्टिस करो, अपने किसी फ्रेंड के साथ में। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो डू सब्सक्राइब माय चैनल नाउ एंड प्रेस दैट बेल आइकन सो दैट यू विल गेट नोटिफिकेशन फॉर अपकमिंग वीडियोस। एंड यू कैन ज्वाइन माय लाइव क्लासेस इफ यू वांट टू ज्वाइन, जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन दैट यू वांट टू ज्वाइन। कैच यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन स्टे सेफ, स्टे अलर्ट।